नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। आज विजयादशमी की समस्त हिंदुस्तान वासियों को और पूरे विश्व के मानव जाति को चराचर को शुभकामनाएं मैं सुदर्शन की तरफ से देता हूं। और आज विजयादशमी के मौके पर हम आपके सामने बिंदास बोल लेकर आए हैं। आज हम रावण को जलाते हैं, इस रावण को आखिर क्यों जलाते हैं और लाखों सालों से हम जो रावण को प्रतीकात्मक जलाते हैं उन स्थितियों को हमको ये संस्कारों को क्यों दिया गया है, क्योंकि रावण के विभिन्न चेहरे को विभिन्न रूपों को विभिन्न समस्याओं के रूप में हमने हमेशा पहचानना चाहिए। और राम का चरित्र धारण करके रावण के उस दसों चेहरे को नेस्तनाबूद करना चाहिए, अर्थात समस्याओं को नेस्तनाबूद करना चाहिए। रावण को जलाने का परंपरा का यही संदेश है। तो इस साल हम रावण के कौन से 10 चेहरे मानते हैं और उसको कैसे निस्तनाबूद करेंगे, आज के बिंदास में देखते हैं मुद्दे के साथ। आज देश में कितने रावण हैं जो देश और समाज को खोखला कर रहे हैं? हम उन रावणों को चलाने की बात क्यों नहीं करते? महिला सुरक्षा को लेकर आज देश में गंभीर स्थिति बनी हुई है, क्योंकि रावण रूपी दानों ने देश की महिलाओं के साथ सम्मान की जगह उनका अपमान करना शुरू कर दिया है। हर रोज टीवी और अखबार के जरिए महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और रेप जैसी घटनाएं सुनने और पढ़ने को मिलती हैं। ऐसे रावण का दहन करना जरूरी है। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार रूपी रावण का, जो देश के खजाने को खोखला कर रहा है। ऐसे रावण देश के लिए हितकारी नहीं है, उनका अंत होना नितांत आवश्यक है। अब आपको तीसरे रावण से रूबरू कराते हैं, वो है गंदगी। जिस देश की स्वच्छता की चर्चा विश्व भर में हुआ करती थी, आज गंदगी के लिए जाना जाता है। इस गंदगी रूपी रावण को जड़ से निकाल फेंकना होगा। इस दिशा में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक अच्छी पहल की है, जो विश्व पटल पर सराहा जा रहा है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। बेरोजगारी रूपी रावण ने तो देश को हाशिए पर धकेल दिया है। देश के युवा रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। जब तक इन युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। इससे भी उखाड़ फेंकना होगा। अलगाववादी, इस्लामिक आतंकवाद, ये ऐसे रावण हैं जो देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। देश को अलगाववादी और इस्लामिक आतंकवाद से निजात दिलाना बेहद जरूरी है। इस्लामिक आतंकवाद ने तो इराक की अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे रावणों का भी दहन जरूरी है। लव जिहाद, अशिक्षा, सांस्कृतिक प्रदूषण और अधर्म जैसे रावणों का भी अंत होना जरूरी है। इस साल के ये 10 ऐसे रावण हैं जिनका दहन करना बेहद जरूरी है, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा, विकास की गति रुक जाएगी। आज ऐसी स्थिति है कि नकली रावण को चलाने असली रावण आते हैं और खुले मंच से देश की जनता को संबोधित करते हैं। हमें उन रावणों का भी दहन करना जरूरी है जो सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। सुदेश न्यूज के लिए धीरज कुमार की रिपोर्ट। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, हिंदुस्तान की प्रतिक्रिया चाहिए। हमारी परंपराओं को साक्षी मानकर आज के वर्तमान को देखते हुए हमको ये प्रतिक्रिया देनी है कि आखिर 2014-15 ये जो समय है, इन समय में किस किस रावण को जलाना जरूरी है और रावण के 10 टॉप 10 चेहरे क्या हो सकते हैं और इन चेहरों को कैसे जलाया जाए, ये दोनों चीजें आज बिंदास में आपने हमारे सामने कहनी है। पहले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। हाँ सर, जय हिंद, मैं फूलचंद चौहान बात कर रहा हूँ। हाँ सर, ये जो सब ये मुद्दा है, इस पे आपने जो मुद्दा उठाया है उसका मैं पूरा वो है, क्योंकि आज के इसमें जो भी अपना आपने जो मुद्दा उठाया वो सब सही है। लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पे ये मनाते तो हैं, लेकिन आज के दिन ही मनाते, बाकी के दिन उसको कुछ कोई पालन नहीं करता है, सब बाद में अलग अलग उस पे विषय वो रखते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। केवल एक दिन के लिए हम रावण को याद करते भी है तो करते हैं, और जैसे हम देख रहे चित्रों में, वीडियो में, आने वाले खबरों में कि रावण के कद को ऊंचा ऊंचा किया जा रहा है, और ये सच भी है, लेकिन राम नहीं है तो इन रावण का दहन और मुश्किल होता जाता है। अगले कॉलर, जय हिंद जी।
बोलिए। अवधूत कुमार बेंगलोर से, सभी को विजयोत्सव की शुभकामना। बोलिए। रावण का, रावण के 10 शीर प्रतीकात्मक हैं। हमारी संस्कृति में बताए गए धर्म के 10 लक्षण जो हैं, क्षमा, मार्जव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य तथा ब्रह्मव्रत। ये इन 10 लक्षणों के विरुद्ध ये सारे ऋतु है, इनका सभी का दहन आवश्यक है। हो सकता है हमें ये दृश्य परेशान करने वाले भ्रष्टाचार यानी कि अकिंचन्य के स्वरूप में हो, स्वच्छता यानी कि शौच के स्वरूप में हो, आदि आदि, इनको समाप्त कर सुराज्य की स्थापना करना, इसी को हम विजयोत्सव या विजयादशमी कहते हैं। आज नवरात्रि का उपवास छोड़कर कहता हूँ जय माँ भगवती। धन्यवाद। हमारे साथ दो विशेष मेहमान भी आज के बिंदास में हमने निमंत्रित किए हुए हैं, एक शास्त्र से और एक शस्त्र से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विश्वविख्यात जगताचार्य चंद्र स्वामी जी महाराज। महाराज जी आपका स्वागत है। इसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं आतंकवाद विरोधी मोर्चा के प्रमुख और जिनके ऊपर कई हमले हुए लेकिन भारत की एकता अखंडता के लिए उन्होंने अपनी लड़ाई हमेशा जारी रखी, जिनको जिंदा शहीद भी कहा जाता है, ऐसे मनिंदर सिंह बिट्टा जी। बिट्टा जी आपका भी स्वागत है। दोनों अतिथियों के स्वागत के साथ हमारे साथ कई करोड़ों कॉलर दर्शक जो जुड़े हुए हैं, हम उनकी प्रतिक्रिया वॉइस कॉल से, वीडियो में, स्काइप पर और व्हाट्सएप पर भी ले रहे हैं। साथ में अगर आपकी प्रतिक्रिया लाइव में नहीं पहुंच पा रही है तो आप हमारे फेसबुक www.facebook.com/sudarshannews इस पेज पर भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर इस कार्यक्रम को लाइव देखते हुए भी अपनी प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी राम राम। बोलिए सुरेश जी, मैं ये कहना चाह रहा कि आप जो है, आप जी इतना महान काम कर रही है जो है बिंदास बोल में, इसके लिए आपको सत नमन। आपकी जानों को भी बहुत ज्यादा खतरा है, वैसे आतंकवादी देशभक्तों से वैसे बहुत चिढ़ते हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सोनाजी मेडल से कहना चाहता हूँ कि वे देश के 25 करोड़ गद्दारों को मिटाने के लिए सड़कों पर टैंक उतार दें और उनके नीचे उन्हें कुचल दिया जाए। धन्यवाद। हम स्वामी जी के पास चलते हैं। स्वामी जी, जो मैंने कहा कि अब वर्तमान में समय काल परतवे रावणों के चेहरे को ढूंढ के उनको कैसे खत्म किया जाए, ये आज के चर्चा का विषय है, तो इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैं ये मानता हूं रावण रूपी विचारधारा अनादिकाल से चली आई है और समय समय पे आवश्यकता जो आविष्कार की जननी होती, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व आए हैं। आज संप्रति समय भारत जिस समस्याओं से घिरा हुआ है, सबसे भयंकर जो आतंकवाद और हिंसा की समस्या है, परिस्थितियों ने वर्तमान में एक ऐसे व्यक्तित्व को भेद दिया है जो इससे संघर्ष करने के लिए मनोबल के साथ, क्योंकि वो अपने आप में स्वयं साधक है, पहली बार संसार में इस पुरुष ने ये दिखा दिया कि नवरात्र पर्व कितना बड़ा समर्पण का पर्व है। नवरात्र पर्व पे निराहार और जल पे रह के और अपना कर्म योग करते रहे हैं, तो हम अब संदेह नहीं है कि जल्द ही ये आतंकवाद भी भारत से समाप्त होगा। और रावण को आप देखिए, एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ है, लोग कहते इतिहास मानता 20,000 वर्ष, हम मानते लाखों वर्ष। लाखों वर्ष से आज तक, सुरेश जी ये बताइए, भारत वर्ष में किसी माता पिता ने साहस किया अपने बेटे का नाम रावण रखने का? उसको आज तक इतनी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। आज तक किसी ने, राम हर घर में, रामचंद्र है, रामलाल है, राम प्रसाद है, रामदास है, रावण का ही नहीं है। तो रावण कैसे इस देश में रह सकता है? हमेशा हमारे यहाँ सत्य की विजय हुई है, इसलिए हम सत्य में उजयते कहते हैं। बिल्कुल। बिट्टा जी के पास चलूंगा। बिट्टा जी, स्वामी जी ने उसको धार्मिक आधार पर बताया, आप आपके एंगल से आप इस विषय को कैसा देखते हैं? देखो, आज से अगर 3 महीने पहले की बात करें या 4 महीने पहले की बात करें तो रावण बहुत हिंदुस्तान के अंदर थे, अब भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कांग्रेसी हूं पर मेरी विचारधारा बिल्कुल आजाद है। पर जिस तरीके से चंद्रा स्वामी जी ने बताया है नरेंद्र मोदी जी के बारे में, अब हमें किसी को कोई फिक्र नहीं करना चाहिए। मैं बड़ा आगे बोलता था, अब मुझे बोलने का भी मेरे पास कुछ रहा नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं उनका एक संकल्प है, एक सोच है,
सीमाओं की रक्षा कैसे करनी है, महिलाओं की रक्षा कैसे करनी है, आतंकवाद के खिलाफ कैसे लड़ना है, शहीदों का मान सम्मान कैसे करना है, बुराइयों का कैसे नाश करना है। अब महाराष्ट्र के सीएम ने पीछे कहा था कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो तानाशाह हैं, तो मैंने उसका जवाब दिया, मैं कहा बिल्कुल तानाशाह है। आज इस भारत के बिगड़े हुए माहौल जो पिछले समय पे खराब हुआ, पिछले समय में जो आतंकवाद को जन्मदाता देने वाले लोग थे, आज सरहदों की रक्षा के लिए, आज करप्शन के खिलाफ, आप घोटालों के खिलाफ, आज हमें ऐसे तानाशाह की जरूरत है जो गरीबों की बात सुन सके, जो शहीदों के परिवारों की बात सुन सके, जो मान सम्मान कर सके सबका, जो सुरक्षा की पूरी लोगों की हिफाजत कर सके, ऐसे तानाशाह की हमें जरूरत है। तो बड़ा चेंज आया है दो तीन महीने, मतलब आपको लगता है कि जो जितने रावणों के रूप है, भले तब तो रावण को 10 सर थे, लेकिन अब तो बुराइयों की संख्या अगर हम निकालेंगे तो वो हजारों में लाखों में जाएगी, तो इन सरों को खत्म करने के लिए मोदी पर्याप्त है। आज पॉलिटिकल टेररिज्म है, आज नार्को टेररिज्म है, आज आईएसआई का टेररिज्म है, आज आईएसएसआई का टेररिज्म है, आज नक्सलिज्म है, आज सरहदों की सुरक्षा है, आज करप्शन है, आज घोटाला है, हर तरफ तो एक टेररिज्म है। तो वो टेररिज्म को खत्म करने के लिए जो एक इंसान बैठा है इतने बड़े पद पे, पहले उसने अपने आप को त्यागा, वो साफ है, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। सबसे पहले उन्होंने राजनीतिक सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की, अपने मंत्रालय को ठीक करने की कोशिश की, तो उसका सबसे बड़ा ये फायदा हुआ कि आज दुनिया के अंदर, मैंने अपनी जिंदगी में, मैं इतने साल राजनीति में हो गए, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर दुनिया के अंदर हिंदुस्तानियों का इतना अच्छा माहौल नहीं देखा जो अमेरिका के अंदर बताया। नवरात्रे क्या होते हैं, हमारा हिंदुओं तो टोटल मारा जा रहा था, हमारी पुराना कल्चर समाप्त किया जा रहा था, आज मंदिरों का अपमान होता था, ये सारी राजनीतिक साजिश थी, आज वो चीजें समाप्त होंगी और उसमें आतंकवाद भी खत्म होगा। लोग वक्त मांगते हैं, वक्त की जरूरत है, वक्त के साथ ही ये सब ठीक होगा। बिल्कुल, इसलिए धर्म की प्रतिष्ठापना भी जरूरी है। हम उस मुद्दे पर भी जाएंगे, हमने 10 मुद्दे आज निकाले हैं, आप भी विभिन्न प्रकार के मुद्दे बता सकते हैं। सारे कॉलर को हम कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखें, क्योंकि बहुत बड़े रावण के दहन की बात हम कर रहे हैं। कॉलर के पास चलते हैं, जय हिंद, बोलिए। चव्हाण साहब, मैंने आपको दो तीन साल पहले एक आपके प्रोग्राम के दौरान कॉल किया था। हाँ। और उस दौरान मैंने आपको इस्लाम को ऊपर हमला करने के लिए बोला था, तो आप मेरे ऊपर गुस्सा हो गए थे, मगर आज यूएनओ में इसराइल के राष्ट्रपति भी इसी बात को उठा रहे हैं कि ये इस्लामिक लोग सारे वर्ल्ड के लिए एक रोग बन गया और उनको मिटाना सबसे जरूरी है। इनके धर्म में सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है जो हर किसी नहीं, शायद आप मेरे गुस्से को समझ नहीं रहे होंगे। हम तो इस्लामिक आतंकवाद है ये पहल सुदर्शन जब से शुरू हुआ है तब से कहते हैं, और आज भी टॉप 10 समस्या में हमने उसको रखा है। बस चव्हाण साहब, अगर इनको ही किसी तरीके से खत्म कराया जाए, क्योंकि आप देख लो तिहाड़ में भी सबसे ज्यादा मुसलमान पड़े हुए हैं। चलिए हम उसको धर्म के आधार पर न लेकर प्रवृत्ति के आधार पर भी ले, और उसमें जहां पर इस्लाम के आधार पर आतंकवाद होता है उसको जरूर उस नाम के साथ रखें। मैं चाहता हूं हम यहां पर शायद बिट्टा जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि देखो, अभी नरेंद्र मोदी जी ने कितनी अच्छी बात की है कि मुसलमान भी देशभक्त हैं, हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का सबका हमारा एक मुल्क है। अगर ऐसे लोग ऐसी बातें करेंगे इस्लाम की, अरे इस्लामिक आतंकवाद की बात करो ना, गोली का जवाब गोली दो ना। अगर पाकिस्तान के साथ हमारे 2 जवानों को सिर काटते हैं तो हम 15 जवानों को सिर काट करके उनके उनके हाथ में देंगे। ये बिल्कुल गलत बात है, जो जिस भी नौजवान ने ये बात की है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो हम खुद ही अपने देश को खराब कर रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने पे उठा ली है कि मैं सारे सिस्टम को ठीक करूंगा, तो ऐसी बात गलत है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो 10 चेहरे क्या होने चाहिए, जब हमने सोशल मीडिया पर लोगों को पूछा तो उन्होंने जो नाम हम तक भेजा या जो आंकड़े पिछले कई सालों से भारत में बढ़ते हुए समस्याओं के हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या रावण का मूल रूप का मध्यवर्ती सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक चेहरा अगर कोई है तो महिला अत्याचार का यह चेहरा है। इसको नेस्तनाबूद करना है, कुचलना है, उसके पहले इसको देखते हैं। YouTube पर एंटिंग गो आउट करना, अदरवाइज हम प्रदेश को बुलाएंगे। रावण एक महाशक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति था। रावण को शिव का सबसे बड़ा भक्त भी कहा जाता था, लेकिन सीता जी के साथ किए अधर्म
और अपने अहंकार के कारण रावण को अपना सब कुछ गंवाना पड़ा। पहले भाई ने साथ छोड़ा, फिर सोने की लंका को राख कर दिया गया और आखिर में रावण के अंत से सीख दी गई कि महिला के साथ अधर्म का क्या नतीजा होता है। इसका अर्थ ये है कि दुष्ट रावण का अंतिम पर्व चल रहा है। हम हर साल अधर्म पर धर्म की जीत मनाते हैं, लेकिन आज भी देश में कुछ रावण ऐसे घूम रहे हैं जो भारत देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। महिलाओं की सुरक्षा आज भारत की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। जब महिलाएं अपने घरों में अपनों से ही असुरक्षित महसूस करती हैं, तो लाजमी है कि रात के वक्त सड़कों का अंधेरा महिलाओं को किस कदर डराता होगा। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ से शुरू हुआ सिलसिला बर्बरता तक आ पहुंचा है। न सिर्फ रेप बल्कि अपहरण, छेड़छाड़ और दहेज को लेकर भी महिलाओं को शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। आपको दिखाते हैं महिलाओं के साथ पिछले कुछ समय में हुए अपराधों के आंकड़े। महिलाओं के साथ रेप 2009 में 469, 2010 में 507, 2011 में 572, 2012 में 706 और 2013 में 1330। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ 2009 में 552, 2010 में 601, 2011 में 659, 2012 में 727 और 2013 में 2844। महिलाओं के साथ अपहरण 2009 में 1655, 2010 में 1740, 2011 में 2085, 2012 में 2210 और 2013 में 2906। पति और ससुराल वालों की प्रताड़नाएं 2009 में 1297, 2010 में 1410, 2011 में 1585, 2012 में 2046 और 2013 में 2487। दहेज के लिए प्रताड़ित करना 2009 में 141, 2010 में 143, 2011 में 142, 2012 में 134 और 2013 में 123। देखा आपने किस तरह महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों का आंकड़ा हर बार बढ़कर ही सामने आया है। हैरानी की बात तब है जब महिलाओं के लिए कानून भी बने और उनमें समय के अनुसार बदलाव भी किया गया। अगर भारत में जल्द से जल्द महिलाओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम नहीं किए गए तो वो समय दूर नहीं जब तरक्की की और बढ़ते भारत का ग्राफ नीचे गिरता चला जाएगा। संदीप तिलवारी, सुदर्शन न्यूज। स्वामी जी के पास चलते हैं। स्वामी जी, जिस जहां पर नारी सर्वत्र पूज्यते कहा जाता है, जहां पर नारी मतलब रावण का भी अंत इसलिए हुआ क्योंकि उसने नारी की तरफ गलत आंखों से देखा, गलत निगाह से देखा, और सामर्थ्यशाली कौरव का भी नाश इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने नारी की तरफ गलत इरादों से और नजर से देखा, लेकिन हिंदुस्तान में इतने सारे अपराध हो रहे तो उन सारे दुष्प्रवृत्तियों का क्या होगा? आपके सामने विद्यमान है क्योंकि भारतीय संस्कृति में नारी को बड़ी श्रद्धा के साथ देखा है। किसी को अर्थ की अपेक्षा है तो विष्णु की आराधना नहीं, महालक्ष्मी की करो। किसको बुद्धि की आवश्यकता है तो आराधना सरस्वती की करो। किसको शक्ति की आवश्यकता है तो महाकाली की करो। नारी को, नारी का अर्थ क्या, नय प्लस अरि, जिसका कोई शत्रु नहीं, जिसके अंदर माता की ममता, भगनी का प्यार और पत्नी का प्रणय, जिसके अंदर त्रिवेणी की धारा हो, उसको नारी कहा है। और भारत के इतिहास में युग युग से देख लीजिए, नारी का सम्मान होता आया है। जब जब नारी अपमानित हुई तब तक इतिहास में क्रांति आई, चाहे वो रामायण का युग हो, चाहे महाभारत का युग हो, चाहे बाद में मुगल आने का कारण हो, चाहे बाद में ये अंग्रेज इस देश में आए हो, बाद में भी देखे। और नारी ने जिस तरह से किया, अब नारी का जिस तरह से अपराध होते रहे
उसका परिणाम पिछले 60 वर्ष जिन्होंने सत्ता की उनको मिल चुका है। अब मुझे विश्वास है कि हमारे जो सत्य है, सत्य तो माँ ही है, संसार में कोई और सत्य नहीं है, माँ ही संसार में सत्य है, तो आप सत्य की उपासना होगी और निश्चित नारी का सम्मान होगा और भारत भारत बनकर। बिल्कुल, अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार जी, बोलिए। ओ नमस्कार भाई साहब, हम तमिलनाडु से शंकरलाल राजपुरी बात कर रहे हैं और सूरदर्शन न्यूज को हम आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इतना बड़ा कहने का मतलब प्रोग्राम चला रहे हैं हम मीडिया में, और हम ये बोलना चाहते हैं आपके माध्यम से कि रावण का तो राम ने बयान किया था और आज के जो रावण है, और वो हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा मोदी जी और 100% हमारा मोदी जी आज के रावण को भी ध्यान करेंगे, मगर भारतवासी सबको थोड़ा धीरज रखना चाहिए और शांत रखना चाहिए। अभी भी हमारी मोदी सरकार आई है तो एक भी रावण नहीं बचेगा करके हम उम्मीद कर रहे हैं। सुरेश जी, मेरा मानना इससे थोड़ा परे है, मोदी तो जो करना है वो अपने जगह पर करेंगे, लेकिन हम हर बार क्यों किसी व्यक्ति, किसी अवतार या किसी चरित्र के तरफ देखकर अपने आप को चुप करा बैठते हैं और हम निष्क्रिय होकर बैठते हैं। मोदी को भगवान ने, आपने देश ने जो मतपेटी से, ईवीएम मशीन से, वोटों से, और भगवान ने उनके तपस्या के आधार पर उनको जो शक्ति दी है वो तो की जाएगी, लेकिन 125 करोड़ हिंदुस्तानी क्या करेगा ये भी जरूरी है, और वो सब कुछ करे इसके लिए ही लाखों सालों से हमें रावण के दहन की परंपरा को दिया गया है। दूसरी बड़ी समस्या रावण का दूसरा खतरनाक चेहरा है, वो है भ्रष्टाचार। दुनिया के 100 से ज्यादा ऐसे देश है जिनका पूरा साल भर का बजट, सालाना जीडीपी जितनी नहीं होती उससे ज्यादा का भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में होता आया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में उनका नंबर खिसका है, लेकिन अभी भी ये बड़ी समस्या के तौर पर हमारे सामने विराजमान है। ऐसे में रावण का भ्रष्टाचारी ये चेहरा भी देखते हैं। बात करें भ्रष्टाचार की तो भ्रष्टाचार आज भारत के लिए नासूर बन गया है। पिछले दशक भ्रष्टाचारी दीमक ने देश को किस तरह खोखला किया है वो तो सभी के सामने है। फिर चाहे वो कोयला घोटाला हो, वाड्रा का जमीन घोटाला हो, 2G घोटाला हो, या भारत को दूसरे देशों में शुमार करने के लिए दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला हो, हर घोटाले ने आम आदमी की ही कमर तोड़ी है। हर बार महंगाई बढ़ी और आम लोगों के रसोई की थाली ही महंगी हुई है। पिछली सरकार की बात करें तो अपने भ्रष्टाचारों के चलते ही उसे सत्ता से बेदखल होना पड़ा। पंचायतों से लेकर संसद तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकारी दफ्तरों के चपरासी से लेकर आला अधिकारियों तक बिना रिश्वत के सीधे मुंह बात नहीं की जाती। जहां संसद के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर हो हल्ला होता है तो वहीं बाहर भी जनता धरने प्रदर्शन कर अपने गुस्से को जाहिर करती है। एक रिपोर्ट की माने तो पिछले साल आए आंकड़े के मुताबिक भारत में काम को पूरा करने के लिए लगभग 60% लोगों से रिश्वत मांगी गई। पिछले दशक के कई बड़े घोटाले सामने आए। भारत में हुए बड़े घोटाले, 2012 का कोयला घोटाला, 2012 का कर्नाटक में वक्फ बोर्ड जमीन घोटाला, 2012 का उत्तर प्रदेश में NHRM घोटाला, 2013 का वाड्रा का TLF जमीन घोटाला, 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, 2010 का आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, 2009 का मधुकोड़ा का खदान घोटाला, 2008 का 2G घोटाला, 2008 का सत्यम घोटाला। मौजूदा समय में देश में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्याएं हैं। जनता के कल्याण के लिए शुरू की गई तमाम योजनाओं का फायदा तो सही मायनों में नौकरशाही उठाते हैं। जनता तो आखिर में ठगी की ठगी ही रह जाती है। इस विजयदशमी से हमें शुरुआत करनी होगी भारत को भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने की, जिसके लिए जनता से लेकर शासन प्रशासन सभी को सुधरना होगा। हर्षित शर्मा, सुदर्शन न्यूज। तो रावण का ये भ्रष्टाचार रूपी चेहरा भी कुचलना जरूरी है। हम यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलचाल।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए रावण के 10 चेहरे, या रावण के कितने वो बुरे चेहरे हैं जिनके बुरे प्रतीक है जिनको हमने दहन करना जरूरी है। केवल दशहरे के दिन नहीं तो 365 दिन हर घंटे और हर क्षण रावण के उस बुराई को अंत करने के लिए, उसको कुचलने के लिए, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए और सच्चाई की और अच्छाई की, सत्य की प्रतिष्ठापना करने के लिए हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत है। और उस पुरुषार्थ के लिए हमें 9 दिन शक्ति की उपासना के दिए जाते हैं, और उसके बाद यह शस्त्र पूजन का और रावण के दहन का दिन आता है। इससे हमें आध्यात्मिक भाव, आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक समझ लेना जितना जरूरी है, उतना ही हमें इससे व्यवहारिक ज्ञान देने की जरूरत है। वो व्यवहारिक ज्ञान ये बताता है, संकेत ये बताता है, परंपरा ये बताती है कि रावण के उस समय के बुराई के चेहरों का अंत जरूरी है। और ये तभी हो सकता है जब उसको, रावण को दहन करने वाला व्यक्ति राम के चरित्र के साथ उस पर वार करता हो। कई जगह पर पुतलों को जलाने वाले रावण से भी खतरनाक लोग जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे जगह पर, ऐसे पदों पर और ऐसे स्थानों पर बैठे हैं, ऐसे प्रभावी स्थानों पर बैठे हैं कि लोग उनको रावण जलाने के लिए बुलाते हैं। वास्तवता वो उस पुतले या वास्तव रावण से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन 125 करोड़ जनता में ज्यादातर संख्या के अनुपात में कहे तो अच्छे लोग हैं, लेकिन उस अच्छे लोगों को और अच्छा होना, सामर्थ्य को अर्जित करना जरूरी है। और वो सामर्थ्य जब तक अर्जित नहीं करेंगे तब तक वो रावण का अंत नहीं कर पाएंगे। रावण के अब तक के 2 चेहरे हमने आपके सामने देखे हैं। अब रावण का एक और चेहरा जो कि हमारे यहाँ के व्यवस्था के अनुरूप भी नहीं है, रावण का वो चेहरा जिसको हम गंदगी कहेंगे, ये गंदगी हिंदुस्तान में इतनी बड़ी है कि हमारे कई बीमारियों का कारण भी ये है, और दुनिया में हमारे प्रतिमा को खराब भी यही करता है। आइए जरा रावण के इस चेहरे को भी देखते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां न सिर्फ लोग ही साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं, बल्कि यहाँ पत्थरों से बनाए गए भगवानों को भी रोज साफ किया जाता है। लेकिन गंदगी आज देश की एक बहुत जटिल समस्या के रूप में सबके सामने खड़ी है। आज घरों से लेकर सड़कें, नदियाँ सब गंदगी की मार झेल रहे हैं। लोग जहाँ तहाँ अपना कूड़ा डालकर चलते बनते हैं। इतना ही नहीं, अंधविश्वास के चलते लोग गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों को भी गंदा करने से बाज नहीं आते। भारत को स्वच्छ भारत बनाने में कई महान व्यक्तियों ने अनेकों आंदोलन चलाए हैं। गौरतलब है कि खुद महात्मा गांधी ने भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस के दिन कहा था कि देश की सड़कों पर फैली गंदगी देश के लिए एक बड़ी समस्या है जिससे निपटना बेहद जरूरी है। भारत आज बड़े देशों में शुमार होने के साथ साथ कई नायाब स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों का गढ़ भी है जिन्हें देखने लोग देश विदेश से आते हैं। ऐसे में अगर दूसरे देशों के लोग भारत की स्थिति को देखें तो वैश्विक स्तर पर भारत की दुर्दशा होना तय है। गांधी जी की स्वच्छता भारत के सपने को पूरा करने की पहल नरेंद्र मोदी ने कर दी है। 2 अक्टूबर के दिन पीएम ने न केवल खुद सड़कों पर उतर के झाड़ू लगाई बल्कि सभी से सफाई करने की अपील भी की। अस्वच्छता रूपी इस रावण का दहन करना बेहद जरूरी है जिसकी शुरुआत हमें आज से ही करनी होगी। आम्रपाली चौधरी, सुदर्शन न्यूज। भारत शुद्धता और शुचिता के लिए इतना जाना जाता है कि यहाँ पर 3-3 समय स्नान करने की परंपरा है। दुनिया के आधुनिकतम हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में, दुनिया के आधुनिकतम हॉस्पिटल के आधुनिकतम ऑपरेशन थिएटर में जितनी शुद्धता का आग्रह किया जाता है उतना हमारे सामान्य व्यक्ति के घरों में किया जाता था। जूते चप्पल बाहर निकालना, बुराई के विचारों को बाहर निकालना, ऐसे आग्रह हमारे यहाँ पर चले आए हैं। ऐसी जगह पर इतनी गंदगी कैसे फैली, स्वामी जी इस पर आप क्या कहेंगे? आराधना उपासना में सबसे पहले जैसे आपने कहा कि 3 बार
स्नान करना। हमारे यहाँ क्यों बताया कि सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करिए और क्यों हम कुंभ में जाके स्नान करें? स्नान तो स्वच्छता तो हमारे संस्कृति के अंदर है और शुरू से चला आया है। अगर मैं ये समझता हूँ कि ये जो गंदगी यहाँ से कुछ पिछले जो कुछ सौ वर्षों से आई उसका आप समझते कारण क्या है, तो अब इसका हमने संकल्प लिया है और महात्मा गांधी के सपने को साकार करना है। अगर शारीरिक दृष्टि से स्वच्छ होंगे तो मानसिक से होंगे, और मानसिक स्वच्छ रहेंगे तो देश के लिए अच्छे विचार सोचेंगे, अच्छा चिंतन करेंगे, देश को बनाने में अच्छा योगदान होगा। तो स्वच्छता तो नितांत आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है जीवन में। बिट्टा जी के पास चलते हैं। बिट्टा जी, हमारे यहाँ पर इतनी परंपराएं रही है और शुद्धता के बारे में इतना आग्रह रहा है, गुरुद्वारे में जाना हो, मंदिर में जाना हो, किसी भी स्थान पर जाना हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि 200 साल अंग्रेजों के और उसके पहले 1000 साल मुगलों के, यहाँ पर उन्होंने आकर जो गंदगी और जो गंदे विचारों के साथ जिस प्रकार का शासन और व्यवस्था फैलाई, इस कारण देश में गंदगी की परंपरा शुरू हुई? देखो, आज बड़े खुशी की बात भी है कि दुख की बात भी है। अब नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही झाड़ू क्यों पकड़ा? उन्होंने सफाई की बात क्यों की? अगर हमारे कांग्रेस के दोस्त टीवी में आते हैं तो क्रिटिसाइज करते हैं, अरे एक प्राइम मिनिस्टर झाड़ू पकड़ रहा है, झाड़ू पकड़ा के सबको दे रहा है और कह रहा है कि महात्मा गांधी जी का यही सपना था, उसको पूरा करना है। अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो हम सबको साथ देना चाहिए, और अपनी सुरक्षा को तोड़ करके वो ऐसी जगह पे चले गए जहां गंदगी थी और पूरे दुनिया को बताया या पूरे देश के लोगों को बताया ये है, इसको हम ठीक करेंगे। कोई चीज को छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। अब गंगा मैली है, अब सबसे पहले मुद्दा उठाया मैं गंगा जी को ठीक करूंगा और करोड़ों अरबों रुपए लगाने की पूरी कोशिश कर दी और जाके उमा भारती सब मिलकर के उसकी शुरुआत करा दी। ये पहले चीजें क्यों नहीं हुई? पहले चीजें इसलिए नहीं हुई, हर मंत्री जो अपने जगह पे बैठता था वो कहता मैं तो मौज करने आया हूं, मेरा मकसद तो राजनीति है, मैं अपना बन गया मंत्री, मैं जो मर्जी करूं। अब 9 बजे मंत्री आता है और शाम को 6 बजे अपने ऑफिस से जाता है। प्राइम मिनिस्टर सुबह 6 बजे बैठते हैं और शाम के 12 बजे तक वहां पे रहते हैं, वो भी तो एक इंसान है कि काम कर रहा है। अब एक व्यक्ति अगर हमें देश को ऐसा मिला है जो भारत की आजादी की रक्षा कर सकता है, सफाई को दूर कर सकता है, करप्शन को समाप्त कर सकता है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ सकता है, तो हम नरेंद्र मोदी को आज बीजेपी का लीडर क्यों कहें? नरेंद्र मोदी आज बीजेपी का लीडर नहीं रहा, नरेंद्र मोदी जी आज नेशन का लीडर है और हर व्यक्ति का लीडर है। और इसलिए रावण के इस गंदे चेहरे को खत्म करने का जो उन्होंने संकल्प लिया है और देश को भी लेने के लिए कहा है, उस पर हमें आगे बढ़ना जरूरी है। हमारे ऊपर दो बड़े शासक, वो एक ने 1000 साल और एक ने 1200 साल, मुगलों ने 1000 साल और ब्रिटिशों ने 200 साल का जो राज किया, ऐसा कुल मिला के 1200 साल हमारे ऊपर ऐसे शासक थे जो हफ्ते में कभी तो कोई महीने में कभी नहाने की परंपरा से आए थे और हिंदुस्तान को उन्होंने गंदा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हम कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? हाँ सुरेश जी, जय हिंद। हाँ। अशोक पांचाल दिल्ली सादरा से बोल रहा हूँ। बोलिए सुरेश जी, नंबर एक बात तो यह है कि जो भैरव बाबा थे और रावण, इन दोनों के अपराध बराबर है, और हम लोगों ने मतलब भैरव बाबा की पूजा करते हैं और रावण को हर साल हम सजा देते हैं, तो रावण को हम कब माफ करेंगे? नहीं, ये कुतर्क वाली बात मत करिए। कुछ लोग अब रावण को भी महिमा मंडित करने रहे हैं और ये बहुत बुरी और गलत परंपरा है। हम ऐसी किसी भी परंपरा का समर्थन नहीं करेंगे। केवल ऐसी बातें जो कि तालियां मिला सकती है, जो कि शायद आपको अलगाववादी रुख अपनाने से प्रसिद्धि मिल सकती है, ऐसी बातों को हमने नहीं करना चाहिए। स्वामी जी ने जैसे कहा कि लाखों सालों से आखिर किसी ने राम का नाम रखा है तो रावण का नाम क्यों नहीं रखा? क्योंकि हमारे पुरखों ने रावण के उस दुष्चरित्र को हमारे सामने बार बार रखा है, हम उस रावण को महिमा मंडित करने का काम ना करें। हम अगला रावण का चेहरा दिखाते हैं जो कि इस समय में हमारे सामने सबसे खतरनाक चेहरों में से एक है, वो है बेरोजगार। देखिए, बेरोजगारी भारत के सामने एक बड़ी समस्या है।
भारत की 125 करोड़ जनसंख्या में से 65% हिस्सा युवाओं का है, जिनमें से आधे से अधिक युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। भारत की जनसंख्या जितनी तेजी से विकास कर रही है, व्यक्तियों का आर्थिक स्तर और रोजगार के अवसर उतनी ही तेज गति से गिरते जा रहे हैं। बेरोजगारी से जुड़ा मसला केवल बढ़ती जनसंख्या तक ही सीमित नहीं है, हमारी व्यवस्था और इसमें पाई जाने वाली कमियां भी इसके लिए मुख्य तौर पर जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, विकास और औद्योगिकीकरण के नाम पर हमारी कल्याणकारी सरकारें बहुराष्ट्रीय कंपनियों व बड़े पूंजीपतियों के लिए गरीब खेतिहर किसानों से बहुत थोड़े मूल्य पर भूमि का अधिग्रहण करने से भी पीछे नहीं हटते। उनका कहना यह है कि अधिग्रहित भूमि बंजर है, जबकि वास्तविकता यह है कि जो भूमि उस किसान और उसके पूरी परिवार को रोजगार उपलब्ध करवाती थी, वह बंजर कैसे हो सकती है। हमारी सरकारें यह आश्वासन देती हैं कि उद्योग की स्थापना हो जाने के बाद किसानों के परिवार में से एक व्यक्ति को उसी उद्योग में नौकरी देगी, लेकिन होता यह है कि उद्योग लग जाने तक किसान मुआवजे की राशि से परिवार का पालन पोषण करता है, और जब उसे किसी भी तरह की नौकरी नहीं मिलती तो गरीबी और तंगहाली के जीवन से मुक्ति पाने के लिए वह आत्महत्या के लिए विवश हो जाता है। वही बात करें युवाओं की बेरोजगारी की, तो आज जितने युवा देश में हैं, उनमें से आधे से अधिक बेरोजगार हैं। और इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि जिन युवाओं के हाथों में रोजगार नहीं होता, उन हाथों में आतंकी संगठन हथियार पकड़ाने में सक्रिय रहते हैं। बेरोजगारी के सिरावर से निपटने के लिए जल्द से जल्द समाधान निकालना होगा। पीएम मोदी ने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कवायद तेज कर दी है। अब देखना होगा इस बेरोजगारी नाम के रावण का दहन कितना जल्द होता है। संदीप तिलवारी, सुदर्शन न्यूज। रावण का एक और चेहरा है, वो है इस देश में अब कैसे इतना बढ़ रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय है। जहां का साधारण व्यक्ति भी विद्वान माना जाता था, जहां का साधारण व्यक्ति भी शास्त्रों का ज्ञाता माना जाता था, वहां पर अक्षर ज्ञान भी दुर्लभ हो जाना कितनी बुरी स्थिति है। ऐसे रावण के चेहरे को हम देखते हैं अशिक्षा के रूप में। अशिक्षा रूपी रावण ने तो देश को विश्व पटल पर पीछे धकेल दिया है। भारत में पिछले दशक में शिक्षा एवं साक्षरता को लेकर कई अभियान चलाए जाने के बाद भी देश की औसत साक्षरता दर विश्व की औसत साक्षरता दर 84% से करीब 10% कम है, और शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। दुनिया के कुछ प्रमुख देशों में अमेरिका और ब्रिटेन की साक्षरता दर 99%, ऑस्ट्रेलिया की 96%, ऑस्ट्रिया की 98%, ब्राजील की 91.3%, कनाडा की 99%, चीन की 95.1%, जर्मनी की 99%, इंडोनेशिया की 93.8% और इजराइल की 97% है, जबकि भारत आज भी 74% पर ही अटका हुआ है। आज भी देश की 30% से ज्यादा आबादी अशिक्षा के रावण का शिकार है, जो देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। अशिक्षा के रावण ने लोगों को आतंकवाद जैसे खेल में धकेल रखा है, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। उन्हें सिर्फ अपना लाभ दिखता है। वे चंद पैसों के लालच में आकर देशद्रोही बन जाते हैं और अपने ही देश को क्षति पहुँचाने लगते हैं। इस अशिक्षा के रावण को भी जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2001 और 2011 के बीच देश की साक्षरता दर में 9% की वृद्धि दर्ज की गई। 2001 में देश की साक्षरता दर 65.38% थी, जो 2011 में बढ़कर 74.04% हो गई। इस तरह से एक दशक में साक्षरता दर में 9% की वृद्धि दर्ज की गई है, हालांकि विश्व की औसत साक्षरता दर 84% है। अशिक्षा रूपी रावण का दहन बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदेश न्यूज।
इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण जो कि अब दुनिया को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है वो इस्लामिक आतंकवाद का चेहरा भी रावण ने धारण किया है। और केवल भारत ही नहीं, भारत तो कई सालों से उससे प्रभावित हुआ है, लेकिन दुनिया के अब हर देश को यह समस्या सताने लगी है। दुनिया इस पर गंभीर हो गई है और इसको जलाना चाहती है, तो इसको भारत ही आगे आकर जला पाएगा क्योंकि भारत के पास इसका सामर्थ्य है। हम देखते हैं ये चेहरे को भी। इस्लामिक आतंकवाद रूपी रावण ने तो पूरे विश्व को तबाह कर दिया है। आज हर देश इस्लामिक आतंकवाद से जूझ रहा है। इस्लामिक आतंकवाद रूपी रावण से हिंदुस्तान भी अछूता नहीं है। हाल ही में अलकायदा के जवाहरी ने एक वीडियो जारी कर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की धमकी दी थी, जिसे लेकर अफरा तफरी मची हुई थी और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इराक में जिस कदर इस्लामिक आतंकवाद कहर बरपा रहा है, इसे देखकर तो यही लगता है कि ये देश के लिए रावण के समान है, जिसका अंत होना बेहद जरूरी है। इराक में ISIS ने जिस कदर नरसंहार का तांडव किया था, वो किसी बुरे सपने से भी घातक है। आज भी वहाँ स्थिति वैसे ही बनी हुई है, कुछ शहरों पर तो उनका कब्जा भी है। इस्लामिक आतंकवाद को अमेरिका भी गंभीरता से ले रहा है, उसे चर्च से उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है। इस्लामिक आतंकवाद रूपी रावण भारत के लिए भी खतरनाक है, इसका सहन अति आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बिट्टा जी, जो बात हम लोग करते थे अब दुनिया समझने लगी है, लेकिन करेगी कब, ये सवाल है। इस मुद्दे पर रावण के इस चेहरे पर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि जब पंजाब में आतंकवाद था, जब पंजाब में रोज बेगुनाहों के खून होते थे, बहनों के सुहाग उजड़ते थे, बच्चे यतीम होते थे गोलियों बम्बों से, तो KPS गिल, सरदार बेअंत सिंह, हम भी उनके काफले में थे। हमने उस सिख टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जो अपना एक सिख कौम सजाई थी, मजलूमों की रक्षा के लिए सजाई थी, चाहे सेकुलर मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो सेकुलर सिख हो, तो हमने लड़ाई लड़ी, हमें कामयाबी मिली। कामयाबी में बड़ा वक्त लगा। सरदार बेअंत सिंह शहीद हुए, कई हमारे दोस्त शहीद हुए, 25-26 हजार लोग मारे गए, बेगुनाह लोग मारे गए। हम भी बम्बों से उसमें शरीर का आधा हिस्सा गवा लिया, पर हम आखिरी दम तक लड़ते रहे। हमें भी कहते थे कई, हम सिख कौम के गदार हैं, हम उनको कहते थे नहीं, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, जिनको शीशगंज में अपनी उन्होंने कुर्बानी दी थी, हमने उसकी सोच पे पहरा दिया है। हमने मजलूमों की रक्षा के लिए पहरा दिया है, हमने हिंदू समाज की रक्षा के लिए पहरा दिया है। बम चले या गोली चले, हम सीने पे खाएंगे, पर हम ये जो आतंकवाद है इसका खात्मा करेंगे। खात्मा किया हम सब ने। सवाल सबसे बड़ा ये है कि हिंदुस्तान के अंदर हमारी तरह जिस तरीके से मुस्लिम समाज के नेता नहीं निकलेंगे, उतनी देर तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। मैं ये आपको स्पष्ट नहीं, लेकिन जो निकलते हैं वो समर्थन करते हैं आतंकवाद का, ऐसा क्यों होता है? सवाल सब आज कितने गिने चुने आदमी हैं जो आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं? एक नकवी और एक शाहनवाज हुसैन, और मुझे बताओ कौन ऐसा मुसलमान भाइयों के हमारी तरह लड़ने वाला कोई ऐसा लीडर है जो खुल करके कहे कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं? हाँ, एक मदानी जरूर देखे हैं, कभी कभी उनको सुनाई देता है। अगर सारे समाज के लोग निकले सड़कों पे, गोली बम चलाने की जरूरत ही नहीं है आतंकवाद तो। चलिए, जबान ये AK-47 काम करेगी। शस्त्र के एंगल से बताया स्वामी जी, हमारे यहाँ पर लाखों साल के युगों युगों की परंपरा में कई बड़े बड़े आतंकवादी, सामर्थ्यशाली आतंकवादी, जिनको खत्म करना भगवान के लिए भी मुश्किल था, ऐसे भी आतंकवादी आए थे, लेकिन उनको भी परास्त किया गया। तो इस आधुनिक युग में इस इस्लामिक आतंकवाद को कैसे परास्त किया जाए? पहली बात तो है, जो आतंकवाद है उसका कोई धर्म नहीं होता है। आप देखे हैं कि आतंकवाद आतंकवाद है, समझे, और जो आतंकवाद को ये इस्लामी रूप दे रहे हैं, उसके नेता ये इस्लाम धर्म के लिए अपराध कर रहे हैं। इस्लाम धर्म में कहीं आतंकवाद नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है हिंसा, हर जगह हिंसा की बात है। पर जो आज दुर्भाग्य की कहना पड़ेगा कि वो तो कुरान को कोई बदनाम करने लगे हुए हैं, समझे,
तो इसलिए समय के साथ साथ अब समय आ गया है, क्योंकि वो भी हताश और निराश हो गए हैं। आज जो कुछ हो रहा है, जितनी हिंसा आप देखिए इराक में, ईरान में, उनके देश आज खतरा सबसे ज्यादा हमारे से ज्यादा उन देशों में है, उनको हिंसा का और आतंकवाद का खतरा। क्या स्थिति हुई उनके बड़े बड़े नेताओं के, इतिहास उठा के देखिए। तो इसलिए अब समय ऐसा आ रहा है, क्योंकि लोग, युवा पीढ़ी अब समझने लग गई कि उसका लक्ष्य है उसको उदर पूर्ति करना, उसको आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित करना। अगर हम आर्थिक संरक्षण जब युवाओं में आ जाएगा तो आतंकवाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। चलिए कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको, बोलिए आप। मैं इकबाल सिंह आरसपुरा जम्मू से बोल रहा हूँ। हाँ मैं सर बताना चाहता हूँ कि जे भ्रष्टाचार पे कब लगाम लगेगी। मोदी साहब तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, पर आज तक भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि जनता को पता चले कि मोदी साहब कुछ करने वाले हैं। आपके माध्यम से मैं इनको बताना चाहता हूँ कि कोई भ्रष्टाचार के ऊपर कोई ऐसा ठोस कदम लें कि पुलिस वालों के मन में डर हो, और जितने सरकारी जो सिस्टम है इनके ऊपर कोई डर हो। अव्यवस्था रूपी रावण के चेहरे को भी खत्म करना जरूरी है, क्योंकि अव्यवस्था ने भी बहुत कहर बरपाया है। हम आपको सांस्कृतिक आक्रमण और सांस्कृतिक प्रदूषण वाला रावण का चेहरा भी दिखाते हैं। भारत देश जिस संस्कृति के लिए जाना चाहता है, आज वो विलुप्त होता नजर आ रहा है, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता उस पर हावी होती दिख रही है, और आज की युवा पीढ़ी अपने देश की संस्कृति को छोड़ पश्चिमी संस्कृति और पहनावे को बड़ी तेजी से अपना रही है, जो बहुत ही दुखद है। पश्चिमी संस्कृति के चलते आज भारत संस्कृति प्रदूषित हो रहा है। क्या खाना है, क्या पहनना है, इसका कोई सेंस ही नहीं रह गया है। दिखावे के लिए लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। वो ये नहीं जानते कि इसका प्रभाव भारत की संस्कृति पर कितना पड़ेगा। इसका खामियाजा देश भुगत रहा है। देर रात तक पब में रुकना, मस्ती करना, ये सब पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का ही असर है। देर रात तक लड़कियां घर से बाहर रहती हैं, पब जाती हैं, जुआ खेलती हैं। उसके बाद जब उनके साथ छेड़छाड़ होती है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होता है। भारत की संस्कृति कभी नहीं कहती है कि तुम पब जाओ, देर रात तक बाहर रहो, जुआ खेलो। देश पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। देश की संस्कृति को बचाना है तो इस सांस्कृतिक प्रदूषण रूपी रावण को भी जलाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इस सांस्कृतिक आतंकवाद ने, सांस्कृतिक प्रदूषण ने, सांस्कृतिक जो भी हमारे खिलाफ सब कुछ भ्रष्ट करने की बात चली है, वो बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से, फिल्मों से, योजनाबद्ध तरीके से, मीडिया से, और योजनाबद्ध तरीके से अधर्म का भी यहाँ पर प्रतिष्ठापना धर्म से ज्यादा की जा रही है। और इसलिए रावण का एक और चेहरा पनपा है जो कि हम सबके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो है अधर्म का चेहरा। अधर्म का रावण का चेहरा क्या है ये देखते। अधर्म रूपी रावण ने तो धर्म का तहस नहस कर रखा है। देश में धर्मांतरण का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। हिंदू ईसाई में परिवर्तित हो रहे हैं, तो कुछ को जबरदस्ती इस्लाम की ओर धकेला जा रहा है। ये सब सिर्फ हिंदू के साथ हो रहा है। इसी धर्म को कबूल करने वालों को मोटी रकम देने का लालच दिया जाता है, तो हिंदुओं की लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फांस कर जबरन उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। इस अधर्म रूपी रावण का अंत होना आवश्यक है। इस अधर्म रूपी रावण को नहीं रोका गया तो हिंदुत्व पर संकट खड़ा हो जाएगा। अगर हिंदू धर्म को बचाना है तो इस अधर्म रूपी रावण का खात्मा करना होगा, तभी देश और हिंदुत्व सुरक्षित रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बिट्टा जी, अधर्म को खत्म करने के लिए तो गुरुओं ने कई शहीदियां दी, कई बलिदान दिए। अब इस अधर्म को खत्म करना है, धर्म की प्रतिष्ठापना करनी है, तो क्या होना चाहिए? देखो, धर्म धर्म है,
और प्लानिंग तरीके से इस तरीके से एक समाज से लेकर के दूसरे समाज की लड़कियों से शादी कराना और बड़े प्लांटेड तरीके से आज से नहीं कई सालों से हो रहा है, मेरठ में हो रहा है, मुरादाबाद में हो रहा है, सहारनपुर में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, जो मेरी निगाह में है। ये बात कोई पुरानी आज से 5-6 साल पुरानी बात है, मेरे किसी दोस्त ने कहा कि ऐसा हो रहा है। लड़की को ये पता ही नहीं होता कि इस व्यक्ति का नाम क्या है, नाम रखा जाता है हिंदू धर्म का, जब शादी हो जाती पता चलता है ये मुसलमान भाई है कोई। सवाल ये है कि धोखे से शादी क्यों हो, क्या ये कोई प्लांटेड है, क्या तरीके से कोई इस तरीके से हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो पुराना कल्चर है, क्या उस इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है, जिस तरीके से मीडिया ने भी पिछले समय में बड़ा उठाया, आपने बड़े अच्छे तरीके से हम ये लव जिहाद शब्द देने वाला ये चैनल है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अब ये समाप्त हो जाएगा। ये मैं बता दूं, जो बिहार में घटना हुई, एक बड़ी अच्छी खिलाड़न थी उसके साथ ऐसा हुआ, अब वो चीज होने वाली नहीं है। अब कई बार आरएसएस इन मुद्दों को उठाती है, जब आरएसएस इन मुद्दों को उठाती है तो कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां आके उनका विरोध करती हैं, कोई फिरका प्रोस्ती का नारा देती, कोई गलत देती है। उन्होंने आरएसएस ने बिल्कुल सही ये इन मुद्दों को आज से नहीं कई सालों से उठाया, क्यों ऐसा धर्म परिवर्तन पैसे देके किया जाए। बिल्कुल धर्म परिवर्तन करना यह हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा गुनाह है। हम हैं, हम सारे धर्मों को मानते हैं, हम मंदिरों में भी जाते, गुरुद्वारों में भी जाते, हम मस्जिद में भी जाते, अजमेर शरीफ भी जाते, वो एक अलग चीज है, पर किसी का प्लानिंग तरीके से धर्म परिवर्तन करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। और ये लव का जो नारा दिया है ये बिल्कुल गुनाह है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। स्वामी जी, धर्म की स्थापना जो आप कहते हैं भारत को भारत बनाए रखना है, धर्म रहेगा तो ही भारत रहेगा, वो कैसे प्रतिष्ठापित होगा? देखिए, भारत की जो भारतीय संस्कृति है वो अनादि है और आगे रहेगी। कई बड़ी बड़ी शक्तियां आई, इसको समाप्त करने की वो सफल नहीं हुए। मुझे विश्वास है भारतीय संस्कृति आगे भी रहेगी। और आपने अपने चैनल के द्वारा जो 2-3 व्यक्तियों के प्रति जो आपने आवाज उठाई थी, एक तो वो बंबई के जाकिर नाइक और हैदराबाद का ओवैसी, तो अब इन लोगों को भी पता लग गया है कि हाँ ऐसी शक्ति है। तो आप जो जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है, और आप इस तरह करते रहेंगे तो निश्चित भारत भारत ही बना रहेगा, मुझे कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, और इसीलिए भारत भारत तभी बना रहेगा जब भारतीयता उसमें जीवित रहेगी। वो भारतीयता क्या है? तो हमारी लाखों सालों की परंपरा है, हमारी श्रद्धा है, हमारा विज्ञान रूपी धर्म है, और उस धर्म को प्रस्थापित करने वाले, धारण करने वाले समाज का बहुसंख्यक अंग है। ये जब तक नहीं बना रहेगा तब तक धर्म नहीं रहेगा, धर्म नहीं रहेगा तो भारत नहीं रहेगा। इसलिए भारत भारत बना रहे, ये हिंदुस्तान और भी अनादि काल तक टिका रहे, इसलिए हमें दोबारा रावण जैसे उभरने वाले, जन्म लेने वाले विभिन्न रूपी चेहरे को नेस्तनाबूद करना जरूरी है। ये दशहरा, ये विजयादशमी, ये शस्त्र पूजन हमें यही सीख देता है, और इसी सीख को हमने धारण करने की जरूरत है। इस दशहरे के मौके पर अपने आप को, अपने पुरुषार्थ को जगाने की जरूरत है। वो जगाने के लिए सुदर्शन प्रतिबद्ध है। हम आप सब मिलकर 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपना असली रूप बताएंगे तो निश्चित तौर पर जगेंगे। दोनों अतिथियों का मैं आभारी हूं और सारे दर्शकों का भी आभारी हूं। आज के लिए इतना है। जय हिंद।